हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अभियांत्रिकी गुरु में। जैसे कि जावास्क्रिप्ट सीरीज चल रही है और मैंने फॉर लूप, फॉर इन लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के बारे में बता चुका हूँ, उनका सिंटेक्स क्या है, कैसे काम करता है। आज मैं बताऊंगा कि वो उनकी जरूरत मतलब क्यों पड़ी, क्यों अलग अलग लूप आए। ठीक है, तो मैं ये इस बारे में तीनों को अच्छे से बताऊंगा एक साथ रख करके इस वीडियो में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिए, जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप, पहले मैं इन तीनों को बता रहा हूँ क्योंकि फॉर इन लूप बिल्कुल अलग है। इन तीनों को मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए, व्हाइल लूप में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ कंडीशन रखते हैं और डिक्लेरेशन हम लोग पहले दे देते हैं और उसके अंदर जो बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट होती है, फिर उसके बाद हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, जैसे आई की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे आई की वैल्यू जीरो है यानी कि 5 से छोटी है तो वो अंदर जाएगा और यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा उसका तो वो हो जाएगा 1। फिर ये सेकंड टाइम गया तो इसकी वैल्यू हुई 1। ठीक है, फिर ये थर्ड टाइम गया, इसकी वैल्यू हुई 2। फिर ये फोर्थ टाइम गया, इसकी वैल्यू हुई 3। ठीक है, और ये फिफ्थ टाइम गया तो इसकी वैल्यू हुई 4। जैसे ही सिक्स टाइम गया, ये जैसे ही सिक्स टाइम गया तो इसकी आई की वैल्यू हो जाएगी 5। राइट, अगर मैं आपको यहां पे करके दिखाऊं, सिक्स टाइम जैसे ही जाएगा तो आई हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 ये यहां पे प्रिंट हो जाएगा और जैसे ही 7 टाइम जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, यानी कि ये एग्जीक्यूट होगा 7 टाइम, ये एग्जीक्यूट होगा, इसकी वैल्यू प्लस प्लस होगी। ठीक है, इंक्रीमेंट होगी, जैसे ही 6 होगी इसकी वैल्यू, ये जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। यानी कि जो हमारा लूप है वो टोटल चला 7 टाइम लेकिन प्रिंट कितना टाइम हुआ, 6। कौन कौन सी वैल्यू हुई, 0 to 5। 0 to 5 वैल्यू हमारी प्रिंट हुई है, ये वैल्यू हमारी प्रिंट हुई है लेकिन लूप कितनी टाइम चला, 7। लूप मतलब जो व्हाइल कंडीशन था, कंट्रोल था, वो कितनी टाइम गया, 7 टाइम्स। ठीक है, अब बात करते हैं डू व्हाइल की। डू वाइल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इन दोनों में मैं डिफरेंस बताऊंगा अभी, वाइल और डू वाइल का क्या डिफरेंस है मैं इसमें बताऊंगा अभी। जैसे ही डू वाइल में, जैसे ही डू में मतलब यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट है, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा उसका। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो चेक होगी। तो सपोज फर्स्ट टाइम में उसकी वैल्यू जीरो है आई की, तो आगे गया एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम के बाद सेकंड टाइम जैसा हुआ वैसी होगी 1, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट, 0 से 1 हो जाएगा। तो ऐसे करके अगर हम करेंगे 4 टाइम 5 टाइम तो ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट होगा 6 टाइम, जबकि व्हाइल लूप जो है 7 टाइम चला था। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर फर्स्ट टाइम अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं 1, राइट, और आई की वैल्यू मैं इनिशियल में दे देता हूं 2, राइट, तो क्या होगा, ये फर्स्ट टाइम ये लूप जो है चल जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले डू वाला जो ये बॉडी है ये क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, यानी कि इसकी वैल्यू 2 है और इसको ये इसका जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा लेकिन ये चीज जो है प्रिंट हो जाएगी। तो ये जो है एंट्री कंट्रोल लूप होता है, हमारा व्हाइल लूप जो होता है वो होता है एंट्री कंट्रोल लूप और ये होता है हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता लग गया, ये एक बार कम चलता है व्हाइल के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग, और ये क्या करता है, क्या है, फर्स्ट टाइम अगर हमारा स्टेटमेंट, हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है लेकिन फिर भी ये एक बार तो चलेगा ही चलेगा, एक बार तो हमारा जो स्टेटमेंट हमने प्रिंट कराना है या कुछ भी हमें करना है वो एक बार तो रन होगा ही होगा। आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई, डू एंड व्हाइल। अब तीसरी चीज बात करते हैं हम फॉर लूप।
फॉर लूप जो है मोस्टली लोग इसे यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेरेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक साथ ही कर देते हैं, है ना। लेकिन व्हाइल लूप में क्या करते हैं, व्हाइल लूप में होती सारी चीजें, लेकिन हम लोगों को सिर्फ कंडीशन लिखनी होती है और जो हमारा डिक्लेरेशन होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, वो हमें बॉडी में लिखना होता है, और जो डिक्लेरेशन है वो बॉडी से बाहर। ठीक है, तो फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसका जो है डिक्लेरेशन होगा, आई की वैल्यू होगी 0, देन वो चेक करेगा क्या कंडीशन है, सेटिस्फाई होती है, फिर वो जाएगा बॉडी में। बहुत लोग, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि इंक्रीमेंट हो जाता है, वो इंक्रीमेंट नहीं होता है। वो क्या करता है, पहले जो फॉर लूप की बॉडी है उसमें जाएगा, इसके बाद आफ्टर कंडीशन, ठीक है, कंडीशन के बाद वो क्या करेगा, फॉर लूप की बॉडी पे जाएगा, वहां पे हमने जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो प्रिंट होगा, या जो भी है वो सारी चीज जो है रन होगी, एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद वो उसकी वैल्यू जो है आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, देन अगेन जाएगा और उसकी जो वैल्यू है वो कंडीशन में जाके चेक करेगा कि वो सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया फॉर लूप कैसे काम करता है, डू व्हाइल कैसे काम करता है, व्हाइल कैसे काम करता है, इन दोनों में डिफरेंस पता लग गया। इसमें खाली इतना है कि हमारे पास जो है ये सेम व्हाइल लूप की ही तरह है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है डिक्लेरेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज आ गई, यहाँ पे हम लोग क्या है डिक्लेरेशन जो है क्या करते हैं, बाद में करते हैं। ये मैंने टेबल का एक प्रोग्राम बनाया था, जो मैंने टास्क दिया था उसी का। फॉर इन लूप जो है बिल्कुल अलग है, इनसे बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, ना ही इसमें, मैंने पहले बताया, ना ही इसमें हम लोग कंडीशन लिखते हैं, ना ही डिक्लेरेशन होता है, और ना ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। जैसे कि हमारे पास एक टेबल का ऑब्जेक्ट है ये, और ये क्या करता है, आई की जो वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था जो लेफ्ट साइड होता है कलन से, ये वाला जो कलन होता है उससे जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है आई की। मैं आपको करके ही दिखा देता हूं वापस से। ध्यान से देखिए, यहां पे मैं आई की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो i की वैल्यू इन TBL जो ऑब्जेक्ट है हमारा, तो उसकी वैल्यू, i की वैल्यू फर्स्ट तो ये होगी, सॉरी ये पूरी वैल्यू होगी, फिर ये पूरी वैल्यू होगी, ठीक है, फिर ये पूरी वैल्यू होगी, फिर मैं क्या करा रहा हूँ, 5 इंटू टेबल i की, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, इस पूरे की वैल्यू क्या है, जो हमारी राइट साइड में लिखी है कॉलम, यानी कि 1, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आपको पता ही है लाइन को ब्रेक कर रहा हूँ और नेक्स्ट लाइन में जा रहा हूँ, तो मैं इसे सेव कर देता हूं, देखता हूं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट आया 5 1 5 5 2 10 5 3 15, ठीक है, आपको समझ में आ गया ये कैसे आया। आई की वैल्यू मैंने यहां पे प्रिंट कराई, अगर मैं आई की वैल्यू यहां पे प्रिंट नहीं कराता हूं तो क्या होगा, देखिए फाइव टेन फिफ्टीन, ठीक है, तो मैंने आई की वैल्यू यहां पे प्रिंट कराई थी इसीलिए। और सेकंड वाली टेबल की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे मैंने क्या करा है, यहां पे 1 2 3 ही दिया है, ठीक है, जैसे 1 2 3 इस तरीके से दिया, लेकिन यहां पे मैंने आई की वैल्यू प्रिंट नहीं कराई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मतलब खुद ब खुद लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई बाय नहीं कराया, जस्ट एज इट इज मैंने जो वैल्यू है वो प्रिंट कराई है, फिर इक्वल टू के बाद उसको मल्टीप्लाई कराया और फिर ब्रेक लाइन कराया। इसका भी सेम आउटपुट आएगा अगर आप देखो तो, ठीक है। तो ये जो था आपका टास्क था, और आई होप, मेरे को लगता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फॉर इन लूप बिल्कुल अलग है, इनसे बिल्कुल सिमिलर नहीं है, लेकिन मैंने वापस से समझा दिया इसको। और जो आपका व्हाइल वाला है और डू व्हाइल, इसमें आपको डिफरेंस पता लग गया, ये एंट्री कंट्रोल लूप होता है, ये एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, और फॉर लूप हमारा सिंपल है। तो ये
तीनों लूप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। फिर मिलते हैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज में। जय हिंद, वंदे मातरम।